कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने हर राज्य की सरकार को चेतावनी जारी कर अपने राज्य के हर शहरों में तीसरी लहर आने से पहले व्यवस्था करने को कहा है। वहीं पंजाब के जालंधर के सिविल अस्पताल SMO का कहना है कि ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगा दिए गए हैं और अस्पताल में पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके बावजूद भी सिविल अस्पताल में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई और ना ही लोगों ने मास्क पहने हुए थे। जालंधर के सिविल अस्पताल में बने ट्रोमा सेंटर को कोविड वार्ड बनाया गया है। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में कोविड मरीज का चेकअप करने का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन बात की जाए फीमेल वार्ड और मेल वार्ड की, तो सीरियस पेशेंट के साथ उनके तीमारदार भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं और ना ही इनके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि जहां पर्चियां बनाई जाती हैं वहां भी लोग इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क पहने नजर आए। जालंधर सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर सीमा का कहना है कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगा दिए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर को कोविड वार्ड बनाया गया है और इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे दी जा रही हैं। तीसरी संभावित लहर को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो हमें बेड्स हम इंक्रीज कर रहे हैं। जो हमारे पास पहले L3 लेवल के 56 बेड्स थे उनको अब 25% इंक्रीज करके 14 बेड्स और हम इंक्रीज कर रहे हैं जो कि L3 बेड्स होंगे, जिससे कि हमारे पास 70 L3 के बेड्स हो जाएंगे। और Level 2 के बेड्स में भी हम पीडियाट्रिक का भी अब वार्ड बना रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड लहर आई थी उस वक्त हमने पीडियाट्रिक का सेपरेट वार्ड नहीं बनाया था। जो जनरल वार्ड था उसी में पीडियाट्रिक्स के अगर कोई पेशेंट थे तो वहाँ पे एडमिट करे थे। अब हम इसको देखते हुए 30 बेड जो हैं वो पीडियाट्रिक बच्चों के वार्ड में भी तैयार कर रहे हैं।